हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। सो आज हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो है हेयर फॉल और डैंड्रफ। हेयर फॉल जो है ना, वो आजकल आई थिंक ऑलमोस्ट सबके लिए बहुत ही ज़्यादा मेजर मसला बन के, आई थिंक आजकल हर एक को ही हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और डैंड्रफ जो है वो भी आई थिंक बहुत ज़्यादा बालों में, जो बहुत ज़्यादा डैंड्रफ भी है ना, लोग इससे भी बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं और ऐसे शैम्पूस और ऐसे कंडीशनर के पीछे भागते हैं जिससे उनका डैंड्रफ ना हो, जिससे उनका हेयर फॉल ना हो। सो वैसे मैंने खुद भी काफ़ी ज़्यादा शैम्पूस ट्राई किए हैं, लेकिन जो टॉप थ्री जो बेस्ट है ना, जिन्होंने वाकई में डैंड्रफ को और हेयर फॉल के इशू को कंट्रोल किया है, सो उसके बारे में आज अपना रिव्यू दूंगी। सबसे पहले तो भाई ये हेड एंड शोल्डर जो है ना, मैं पहले यूज़ नहीं करती थी। पहले मैंने जैसे अपना बेबी जॉनसन शैम्पू है, मैं दिखाती थी वो माइल्ड सा है, मैं वही यूज़ करती थी ज़्यादातर केमिकल फ्री। तो वैसे मुझे जो केमिकल वाले शैम्पूज़ होते थे ना, वो मैं अवॉइड ही करती थी, बट ये वाला जो हेड एंड शोल्डर है ना, इसके बारे में मैं कहूँगी इट्स अ बेस्ट। ये एंटी डेंड्रफ है, ये डेंड्रफ आपके बालों में डेंड्रफ नहीं होने देता। और अगर आपका हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है ना, स्पेशली इफ़ यू आर फेसिंग अ हेयर फॉल प्रॉब्लम, फिर तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप यही शैम्पू यूज़ करें, बिकॉज़ ये हेयर फॉल के इस मसले को कंट्रोल करता है, आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है और आपके बालों में डेंड्रफ नहीं होने देता। और जो जिनके बाल ऑयली हैं, वो तो अगर आपके बाल ऑयली हैं तो आप इसे लास्ट में यूज़ करें, बिकॉज़ इट्स वेरी गुड फॉर ऑयली हेयर्स। और जिनके बाल वैसे ड्राई हैं वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं, सेंसिटिव बालों वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं। सेंसिटिव बालों वाले इसे वीक में एक दफ़ा लगाएं। वैसे तो जो जिनके बाल सेंसिटिव है उनको तो कोई माइल्ड सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए, बट इट वर्क बेस्ट फॉर ऑयली एंड ड्राई हेयर। और वीक में 2 डेज़ आपने इसको यूज़ करना है, क्योंकि ये जो केमिकल वाले शैम्पू होते हैं ना, इससे आप डेली अपने हेयर वॉश नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डेली अपने बाल वॉश करते हैं। और उससे क्या होता है कि इससे आपका हेयर फॉल ना मज़ीद ज़्यादा हो जाता है, इससे आपका हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होता, बल्कि इससे आपका हेयर फॉल पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपको डेली अपने बाल वॉश करने ही हैं, तो फिर आप कोई माइल्ड सा शैम्पू यूज़ करें, ये वाला नहीं। और ये आप किसी भी मार्केट से, किस ऑनलाइन भी देख सकते हैं, आपको किसी भी मार्केट से मिल जाएगा, एंड इट्स वर्क बेस्ट फॉर ऑयली एंड ड्राई हेयर बोथ। और उसके बाद जो है ना, कंडीशनर, कंडीशनर का भी आप जानते हैं, जब शैम्पू की बात नहीं होती, कंडीशनर का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है अपने बालों में शाइन लाने के लिए, अपने बालों को सॉफ्ट एंड सिल्की रखने के लिए ना, आपके पास एक अच्छा सा कंडीशनर होना चाहिए। जैसे कि गार्नियर का कंडीशनर है, ये मैं 3 मंथ से यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉर अ गुड कंडीशनर। तो ये वाला जो है ना, मुझे किसी ने रिकमेंड किया था, और 3 मंथ हो गए हैं, 3 महीनों से मैं यूज़ कर रही हूँ, और इससे मेरे बालों में ही काफ़ी शाइन आई है, मेरे बाल काफ़ी सिल्की हुए हैं। तो बालों को सिल्की करने के लिए, अगर तो आपके बाल काफ़ी ज़्यादा फ्रीजी हैं, डैमेज हैं, तो आप ये वाला कंडीशनर यूज़ करें, क्योंकि आपके बालों में एक शाइन आ जाती है। एक बाल ना, आपके ऐसे जैसे रूखे रूखे बाल होते हैं, उनके लिए तो लाइक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक अच्छा सा कंडीशनर अपने पास रखें। तो बालों में शाइन लेकर आने के लिए, बालों को सिल्की करने के लिए ये गार्नियर का कंडीशनर है जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, क्योंकि इससे बाल सिल्की भी होते हैं, बालों में शाइन भी आती है, और आपका जो ये डैंड्रफ को भी कंट्रोल करता है। तो ये आपको मैं लास्ट में रिकमेंड करूँगी। और वैसे जो इसकी प्राइस है ना, मुझे ठीक से आती है, आई थिंक ये भी 800 समथिंग में मैंने लिया था। आप इसकी प्राइस ऑनलाइन भी देख सकते हैं, आपको पता चल ही जाएगी, नेट पे भी देख सकते हैं। आपको अगर ऑनलाइन बाय करना चाहिए तो आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है, और किसी मार्केट से भी ले सकते हैं। सो इट्स वेरी गुड कंडीशनर बालों को सॉफ्ट सिल्की करने के लिए और बालों में शाइन लेकर आने के लिए, इट्स अ वेरी गुड कंडीशनर। 3 मंथ से मेरा जो यूज़ किया हुआ अपना रिव्यू है ना, उसके बाद ही मैं आपको बता रही हूँ, आई विल हाईली रिकमेंड दिस, बिकॉज एक अच्छा सा कंडीशनर होना ना हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हमारे बाल ऐसे रूखे रूखे लगते हैं। तो स्पेशली अगर आपके बाल फ्रीजिंग हैं, आपके बाल ड्राई हैं, फिर तो आप गो फॉर इट, फिर तो मैं आपको लास्ट में रिकमेंड करूँगी। और उसके बाद ये है लॉरियल का कंडीशनर। ये जो लॉरियल का कंडीशनर है ना, ये मैं अब से नहीं है, मैं आई थिंक इट्स बिन 1 ईयर मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो इस पर भी आई थॉट कि मैं आपको अपना रिव्यू दूँ। वैसे आप लॉरियल का शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं, गार्नियर का शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं, इफ़ यू वॉन्ट, तो आप गार्नियर का जैसे कंडीशनर है उसके साथ आप उसका शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसके साथ भी हाँ, यू कैन गो फॉर लॉरियल शैम्पू। लेकिन मैंने जस्ट लॉरियल का कंडीशनर ही यूज़ किया, मैंने इसका शैम्पू यूज़ नहीं किया, तो मैं इसलिए इसकी कंडीशनर पर रिव्यू दूँगी। ये भी बहुत ही अच्छा कंडीशनर है बालों को स्ट्रेट करने के लिए, सिल्की करने के लिए, बालों
हमें शाइन लेकर आने के लिए ये भी बहुत अच्छा कंडीशनर है, बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही थी, सो आई थॉट कि भाई अपना ना कंडीशनर थोड़ा चेंज करते हैं, कोई दूसरा भी ट्राई करते हैं। तो इससे पहले भी मैं काफ़ी कंडीशनर यूज़ कर चुकी हूँ, लाइक जिनके अच्छे रिव्यूज़ नहीं थे, जो जिनका कोई फ़ायदा नहीं था उस पर मैंने बात नहीं की, लेकिन जो हाँ जो वाकई में वर्थ यूजिंग थे, जिनसे वाकई में मेरे बालों को फ़र्क पड़ा, मेरे बाल स्ट्रेट हुए, मेरी डैंड्रफ का मसला कंट्रोल हुआ, मेरे हेयर फॉल कंट्रोल हुआ, उसको लेकर मैंने रिव्यू दिया है। एंड दैट वाज माय ऑनेस्ट रिव्यू, क्योंकि आजकल लोग डैंड्रफ की प्रॉब्लम को लेकर, हेयर फॉल की प्रॉब्लम को लेकर बहुत परेशान होते हैं। हेयर फॉल तो आई थिंक एक ऐसा मसला है जो आजकल सबके लिए, गर्ल्स हो बॉयज़ हो, सबके लिए एक मेजर मसला बन गया है। तो दीज आर सम ट्रस्ट वर्थी प्रोडक्ट्स जिनके बारे में मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लें इफ़ यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। और अल्लाह का शुक्र है जो मेरे बालों का रिज़ल्ट है वो आपके सामने है, कि मेरे बाल किस तरह से स्ट्रेट हुए हैं, जो शाइन आई है, जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।